तो गाइज अभी आप लोग जो ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हो ये डायरेक्टली आ रही है हमारे बोया बीवा MM1 माइक के थ्रू। अब आप लोग जो ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हो ये रिकॉर्ड हो रही है हमारे स्मार्टफोन के थ्रू आईफोन X से। हाय गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू YouTube वीडियो। एंड आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक माइक के बारे में। माइक कौन सा है? बोया बीवा MM1 माइक। ये एक कार्डियोइड शॉटगन माइक है जिसको आप यूज कर सकते हो अपने स्मार्टफोन के साथ, अपने DSLR के साथ। आप DSLR के ऊपर लगा सकते हो और डायरेक्टली अपने DSLR से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो इस माइक की हेल्प से। लेकिन आज इस वीडियो में इस माइक के बारे में इन डेप्थ बात करने वाले हैं, इसकी डिजाइन के बारे में, बिल्ड क्वालिटी के बारे में और साथ ही इसकी मेन सबसे खास चीज साउंड क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी के बारे में। ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे इसको यूज़ कैसे करना है सही तरीके से और कैसे कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हो, आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है जब आप इसको खरीदते हो। अगर आप इस माइक को खरीदने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। और अगर आप एक ऐसा माइक ढूंढ रहे हो जो आपकी ये सब नीड पूरी कर सके, आप व्लॉगिंग करते हो उसमें हेल्प कर सके आपको इनडोर आउटडोर हर जगह, और साथ ही साथ जब आप ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तब भी आपको काम आ सके वो माइक, तो तब भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते हो अगर आप ऐसा माइक ढूंढ रहे हो, क्योंकि ये माइक इन सब चीज़ों के लिए यूज करा जा सकता है। अगर आप सोच रहे हो अभी किससे ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है मेरी, तो ये ब्लू येटी से रिकॉर्ड हो रही है। अभी थोड़ी देर में हम स्विच करेंगे बोया बीवा MM1 माइक की तरफ। अभी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आएगी देखने के बाद तो जरूर से लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसके डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा माइक्रोफोन है। इसके बाद सबसे मेन चीज़, सबसे पहले अभी मेरे पास इसके बॉक्स तो नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है मेरे को इसको परचेज़ किए हुए, लगभग 2-3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मैंने इसका बॉक्स पता नहीं कहूँगा सारा सामान। लेकिन अगर मैं अगर आपको बताऊँ कि बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहला चीज़ आपको ये मिलती है, एक डेड कैट मिलता है विंडशील्ड, मतलब जिसको आप यूज़ कर सकते हो जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में जाते हो जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही हो, तो ये उसको थोड़ा हद तक रोकता है। ठीक है, एक ये चीज़ मिलती है। इसके बाद ये हमारा माइक है। ठीक है, मेन चीज़। और ये एक शॉक माउंट है, अगर इसके ऊपर माइक रहता है तो आप व्लॉगिंग करते हो इसके थ्रू, तो अगर वो थोड़ा हिलता विलता है, जैसे ऐसे कुछ हिलता विलता है, तो शॉक माउंट वो अब्जॉर्ब नहीं होने देता है, जो वो आवाज़ आती है वो अब्जॉर्ब नहीं होती है माइक्रोफोन के अंदर, वो रिकॉर्ड नहीं करता उसको, शॉक माउंट की हेल्प से थोड़ा बेटर रहता है। इस शॉक माउंट के थ्रू आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो माइक को अपने DSLR के ऊपर अटैच कर सकते हो। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ है, आप इस शॉक माउंट को डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हो अपने ऐसे ट्राइपॉड के साथ, या फिर जो नॉर्मल ट्राइपॉड आप यूज़ करते हो उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। नीचे इसमें स्क्रू दे रखा है जिसके साथ आपका ट्राइपॉड अटैच हो जाएगा। अब मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ जैसे रिकॉर्डिंग करने के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए। इसको जैसे यहाँ पर रख दिया मैंने और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, ऐसे डेस्क पर भी कर सकता हूँ अलग से, और इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ अपने स्मार्टफोन के साथ ताकि उसमें वो रिकॉर्डिंग चालू हो जाए, या फिर अपने लैपटॉप के साथ भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। और साथ ही साथ बॉक्स के अंदर आपको दो केबल भी मिलती है, एक TRRS मिलती है और एक TRS केबल मिलती है। एक की हेल्प से आप इसको डायरेक्टली अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे 3.5mm का जैक मिलेगा आपको उससे कनेक्ट कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा आप इसको अपने कैमरे से यूज़ करते हो, DSLR से यूज़ कर सकते हो, मिररलेस से यूज़ कर सकते हो इस वाली केबल की हेल्प से। तो दोनों केबल आपको बॉक्स के अंदर मिलती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है ताकि आप इसको किसी भी डिवाइस के साथ यूज़ कर सको। तो ये सब चीज़ें मिलती है बॉक्स के अंदर। अब इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, अगर मैं खुद की तरफ से बताऊँ मुझे इसकी कैसी बिल्ड क्वालिटी लगती है, तो अपनी तरफ से मैं इसको 10 में से 8 रेट करूंगा बिल्ड क्वालिटी के साथ, क्योंकि इसको बिल्ड क्वालिटी मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने ज़्यादा माइक यूज़ करे नहीं है, शॉटगन माइक ज़्यादा यूज़ नहीं करे, तो इस हिसाब से मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं पता बिल्ड क्वालिटी का, लेकिन खुद के हिसाब से मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी, स्टर्डी लगी, ऐसा नहीं फील हुआ कि ये कभी ब्रेक हो जाएगा, ये पार्ट काफ़ी सही लगा है मतलब देखा जाए तो ओवरऑल, क्योंकि मैंने इसको यूज़ करा है व्लॉगिंग के लिए यूज़ करा है, लॉन्ग ट्रिप पर भी यूज़ करा है, अपने DSLR के साथ यूज़ करा है, अपने स्मार्टफोन के साथ भी यूज़ करा है। तो बिल्ड क्वालिटी में मैं इसको 10 में से 8 रेट करूंगा। अब आगे वीडियो में हम लोग बात करते हैं आपको इसको कैसे यूज़ करना है सही तरीके से, अगर आप इसको स्मार्टफोन के साथ यूज़ करते हो या फिर अपने DSLR के साथ यूज़ करते हो, यूज़ कैसे करना है इसको एक तरीके से। अब यहाँ पर मैं इसको यूज़ करने की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, मतलब कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसके अंदर भी, कुछ आपको फंक्शन नहीं मिलते, बटन नहीं मिलते जो आपको एडजस्ट करने पड़े, आपको डायरेक्टली इसको कनेक्ट करना है अपने डिवाइस के साथ। अगर यहाँ पर बात करूँ आप स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, सिंपली यहाँ पर ये केबल आपको डायरेक्टली यहाँ पर लगानी है, बोया बीवा MM1 माइक से कनेक्ट करनी है। अब इसके ऊपर हम लोग डेड कैट भी लगाते हैं और इसके बाद आप लोग इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो अपने एंड्रॉइड फोन के साथ, जहाँ पे आपको 3.5mm का जैक मिलता है। करंटली मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास वो चीज़ नहीं है, 3.5mm का जैक कब का हट चुका है, लाइटनिंग जैक। आईफोन के लिए मुझे नहीं पता कि क्या ऑप्शन है इसके साथ, आईफोन के साथ आप यूज़ कर सकते हो नहीं कर सकते, कोई केबल आपको मिल सकती है ऑनलाइन अमेज़न पे मुझे नहीं पता भी, लेकिन एंड्रॉइड डिवाइस के साथ डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, मैंने भी किया है 1+6 के साथ और ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। अब अगर बात करें DSLR के साथ कैसा वर्क करता है, कैसे अटैच करना है आपको, अगर आप लोग इसको अपने DSLR या मिररलेस कैमरा के साथ यूज़ करना चाहते हो, तो सिंपली आपको इसको अटैच करना है अपने DSLR कैमरा के टॉप पर, और उसके बाद अटैच करने के बाद आपको इसमें केबल कनेक्ट करनी है जो आपको बॉक्स के साथ मिलती है, उस केबल को फिर
दूसरी साइड से अटैच कर देना है अपने कैमरा के साथ। बहुत सिंपल ईजी है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। एक चेंज कर सकते हो आप लोग अगर करना चाहते हो तो, आपको कैमरे के अंदर ऑप्शन मिलता है जो आप चेंज कर सकते हो मैनुअल मोड में, ऑटो से मैनुअल मोड में कर सकते हो, उससे शायद और ज्यादा बेटर क्वालिटी आपको मिल जाएगी ऑडियो की। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तीसरी चीज के बारे में, जो साउंड क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी। अब ऑडियो क्वालिटी के बारे में अगर बात करें तो ये एक शॉटगन माइक है, मतलब मुझे इसको कैमरे के ऊपर ही अटैच करना पड़ेगा, उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, कैमरा मुझसे काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो ये चीज़ आप लोग एक ध्यान में रखना, कैमरा मुझसे दूर है, मतलब एक हाथ से भी ज़्यादा दूर है, दो हाथ मान लो डबल करके, ठीक है, इतना दूर कैमरा है मुझसे। और मैं इसके ऊपर अटैच करता हूँ और फिर आप लोग देख सकते हो ऑडियो क्वालिटी कैसी मिल रही है आपको एक ऐसी जगह पर जहाँ पर ये बंद कमरा है, एको भी ज़्यादा है। तो मैं बाद में पोस्ट में रिड्यूस करूंगा वैसे इस माइक से जो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन उसमें आपको जरूर एको सुनने को मिलेगा। इसके बाद हम आउटडोर क्वालिटी के ऊपर भी जाएंगे और उसको भी देखेंगे। अब आप जो ऑडियो क्वालिटी सुन रही है डायरेक्टली सुन रहे हैं वो या वीवो M1 माइक के थ्रू जो लगा है मेरे कैमरे के ऊपर, माइक बहुत ज्यादा दूर है। और एक और चीज मैं ध्यान में आपको बोलना चाहता हूँ कि आप इस माइक को उस माइक से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना, ये बहुत मतलब उस माइक के कंपैरिजन में ये माइक काफी ज्यादा महंगा है। ये 10,000 के आसपास माइक है और वो 1500 के आसपास माइक है। हमारे इस माइक का कंपैरिजन किया जाता है रोड वीडियो माइक्रो से जो 6,000 रुपीज का आता है, लेकिन सेम क्वालिटी है ऑलमोस्ट। मैंने काफी सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, उन्होंने कंपेयर करा है, मेरे पास वाला माइक्रोफोन नहीं है इसलिए मैं ज्यादा इन डेप्थ बता नहीं सकता, लेकिन आप यूट्यूब पर और वीडियो वॉच कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में किसी वीडियो का लिंक डाल दूंगा जो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा, अगर आप लोग उसको देखना चाहते हो तो डेफिनेटली उसको देख सकते हो। तो अभी आप लोग जो ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हो ये विदाउट माइक्रोफोन सुन रहे हो, बोया वीवो M1 माइक मेरे DSLR से मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, और अब आप लोग जो ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हैं डायरेक्टली कैमरा की इनबिल्ट माइक से सुन रहे हो, इसको साइड करते हैं, इनबिल्ट माइक से सुन रहे हो आप लोग, यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो कैमरा के इनबिल्ट माइक यूज करने से ज्यादा बेटर है बोया वीवो M1 माइक यूज करना या फिर नहीं। अभी हम बहुत ज्यादा दूर है इसे सही से आप लोगों को पता नहीं चल सकता, लेकिन आउटडोर में अगर हम देखेंगे तो आप लोगों को डेफिनेटली इससे ज्यादा बेटर तरीके से बदल जाएगा। और अब आप लोग जो ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हो ये एक USB माइक के थ्रू सुन रहे हो जिसका नाम है ब्लू येटी। अगर आप इस माइक को भी खरीदना चाहते हो, इस माइक की ऑडियो क्वालिटी आपको ज़्यादा बेटर लग रही है और आपका बजट भी ज़्यादा अच्छा है, आप स्पेंड कर सकते हो पैसा काफ़ी ज़्यादा 10,000 के आसपास, तो इस माइक को भी डेफिनेटली चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक डाल दूंगा। अब बात करते हैं थोड़ी आउटडोर के बारे में, आउटडोर में कैसा परफॉर्म करता है व्लॉगिंग के हिसाब से देखें तो आउटडोर में कैसा है। अगर आप इसको हाथ में पकड़ते हो इसे ट्रैपॉड के साथ तो कैसा परफॉर्म करता है, इतनी जब डिस्टेंस रहेगी तो सही से ऑडियो पिक करेगा आपकी या नहीं करेगा, वो चीज़ हम आउटडोर में देखते हैं और भी कुछ टेस्ट करेंगे जो आउटडोर में ही करते हैं। तो अभी हम लोग आउटडोर में आ चुके हैं, एक ऐसे एनवायरनमेंट में आ चुके हैं जहाँ पे कुछ आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ मतलब जंगल के अंदर आ रखा हूँ ऑनेस्टली बताऊँ तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले एक टेस्ट कर लेते कि विदाउट डेड कैट, जिसके साथ डेड कैट मिलता है हमें बोया माइक के साथ, इसके बिना और इसके साथ आवाज़ में क्या डिफरेंस आता है। अगर आप लोग इसको यूज़ करते तो इसका कुछ बेनिफिट भी मिलता है हम लोगों को, ये देखना ज़रूरी है इसके साथ कैसी आवाज़ आती है और इसके बिना कैसी आवाज़ देखने को मिलती है। तो अभी आप लोग जो आवाज़ सुन रहे हैं डेड कैट के साथ आ रही है, मैं डेड कैट लगा रखा है माइक के ऊपर, अब डेड कैट रिमूव कर देता हूँ और फिर देखते हैं कैसी आवाज़ आती है। अभी मैंने यहाँ पर डेड कैट निकाल दिया, आप लोग देख सकते हो कितना डिफरेंस आ रहा है ऑडियो में, और आप लोग मुझे ये चीज़ ज़रूर कॉमेंट में बताना डेड कैट यूज़ करना वर्थ है या नहीं है, आप क्या यूज़ करने वाले अगर आप इस माइक को परचेस करते हो, क्या आप इसको डेड कैट के साथ यूज़ करोगे या बिना डेड कैट के यूज़ करोगे, ऑडियो कौन सी ज़्यादा बेटर है। आई होप ये ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि जहाँ पर विंड चल रही होगी वहाँ पर तो ज़रूर काम आएगा, अभी यहाँ पर शांत है तो हो सकता है ज़्यादा बेटर हो डेड कैट के बिना, लेकिन अभी इसको वापस लगाते हैं और बाकी कुछ और टेस्ट करते हैं। अभी यहाँ पर डेड कैट मैंने वापस लगा चुका है माइक के ऊपर, अब यहाँ पर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, डिस्टेंस कितनी है अभी करंटली मेरी माइक से, यहाँ पर बात करो एक हाथ की डिस्टेंस है। अभी मैं माइक से थोड़ा दूर जाऊंगा और आप लोग ये समझना कि कितने दूर जाकर भी मेरी ऑडियो आप लोगों को क्लियर सुनाई दे रही है, मतलब यूज़ करने लायक ऑडियो कितने दूर जाने तक है। अभी मैं एक हाथ की डिस्टेंस पे हूँ, अभी मैं एक हाथ की डिस्टेंस पे, अब मैं धीरे धीरे करके माइक से थोड़ा दूर जाऊंगा और आप लोग सुनना कि आवाज़ में कितना डिफरेंस आता है। ऑडियो में उतना ही तेज चिल्लाऊंगा, ज़्यादा अपनी इंक्रीज नहीं करूँगा आवाज़, ज़्यादा तेज नहीं बोलूँगा, उतना ही बोलूँगा। आई होप आप लोगों को अभी भी सुनाई दे रहा हो, और अब तो मुझे लगता है नहीं सुनाई दे रहा होगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दूर जा चुका हूँ कैमरे से, बहुत ज़्यादा दूर, बहुत ही ज़्यादा दूर जा चुका हूँ। आई होप सुनाई दे रहा हो, अगर सुनाई दे रहा है, क्लियर सुनाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मेरी आवाज़ को सही से पिक कर रही है और बाकी जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसको हटा रहा हूँ। अब ये मेरी वॉइस पे कितने अच्छे तरीके से फोकस कर रहा है तो ये भी आप लोग समझ सकते हो, बैकग्राउंड नॉइज़ को अब कितने अच्छे से हटा पा रहा है और मेरी ऑडियो पर फोकस कर रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस कर रहा है कितने अच्छे से, ये भी आप लोग समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट चीज़ के ऊपर आते हैं व्लॉगिंग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, अगर आप इससे व्लॉगिंग करते हो प्योरली, आप इसको आउटडोर में यूज़ कर रहे हो ठीक है वो अलग चीज़ है, लेकिन आप इसको प्योरली व्लॉगिंग के लिए यूज़ करते हो, आउटडोर में भी यूज़ करते हो, इंडोर में भी यूज़ करते हो, तब ये कैसी परफॉर्मेंस देगा, और कंपैरिजन भी करेंगे इसका एक स्मार्टफोन के साथ, अगर आप इसको यूज़ करते हो या इसकी बजाय स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो क्या ज़्यादा बेटर है, क्या इसमें इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, आपको करना चाहिए या फिर आप उसकी जगह स्मार्टफोन ही यूज़ कर सकते हो, अपने स्मार्टफोन का इनबिल्ट माइक्रोफोन ही काफ़ी है। तो अभी आप लोग जो ऑडियो सुन रहे हो ये डायरेक्टली सुन रहे हो बोया वीवो M1 माइक के थ्रू,
अब हम लोग स्विच कर लेते हैं, अभी आप लोगों की ऑडियो क्वालिटी जो आ रही है डायरेक्ट माइक मैंने कैमरे के ऊपर लगा रखा है। कैमरे की बात करें कैनन 200D, अब स्विच कर लेते हैं हमारे आईफोन एक्स के कैमरे के साथ, स्मार्टफोन के कैमरे के साथ, ठीक है। अभी जो ऑडियो आ रही है बोया वीवो एम1 माइक, और अब जो ऑडियो आएगी स्मार्टफोन। अब यहाँ पर ऑडियो की बात करें तो डायरेक्टली रिकॉर्ड हो रहे आईफोन एक्स हमारे मेरे स्मार्टफोन के थ्रू, और अभी इससे पहले रिकॉर्ड कर रहे थे हम हमारे बोया वीवो एम1 माइक के थ्रू। अब आप लोग यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो कितना आ रहा है, वीडियो को एक बार इसलिए छोड़ दो, वीडियो क्वालिटी में जरूर डिफरेंस आएगा। वो मैं DSLR शूट कर रहा था, ये मैं स्मार्टफोन शूट कर रहा हूँ, वीडियो में जरूर डिफरेंस आएगा। आप सिर्फ ऑडियो पर फोकस करो, ये स्मार्टफोन की ऑडियो है, आईफोन एक्स की ऑडियो है, और वो मेरे DSLR से आ रही थी बोया वीवो M1 माइक के थ्रू। अब दोबारा स्विच कर लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा बेटर तरीके से पता चल जाए। तो अब आप लोग जो ऑडियो सुन रहे हो ये वापस से आ रहा है बोया माइक के थ्रू। आई होप आप लोग समझ चुके हैं कितना डिफरेंस है यहाँ पर एक स्मार्टफोन या आईफोन एक्स के माइक में और बोया माइक में। ये ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, बेटर रहेगा ऑफकोर्स, क्योंकि अलग से आप एक्सटर्नल माइक यूज़ कर रहे हो, इनबिल्ट माइक से ज्यादा बेटर है। लेकिन ये कहाँ पर स्टैंड करता है एक इनबिल्ट माइक एक स्मार्टफोन के माइक के कंपैरिजन में, ये कहाँ पर स्टैंड करता है ये भी आप लोगों को समझ में आ चुका है कितना ज्यादा बेटर है अगर आप इसको परचेस करते हो अपने स्मार्टफोन के माइक को यूज़ करने की बजाय, क्योंकि आप इसे स्मार्टफोन में भी यूज़ कर सकते हो और साथ ही साथ अपने DSLR के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। करंटली मैं DSLR में यूज़ करता हूँ। तो गाइज़ ये थे हमारे कुछ आउटडोर टेस्ट जो हमने किए बोया माइक के साथ। अगर आप लोग इन डेप्थ जानना चाहते हो इसके बारे में ये चीज़ की, अगर इसको आउटडोर में यूज़ करते हो या फिर व्लॉगिंग के लिए यूज़ करते हो, जहाँ पे आप इनडोर भी रहते हो आउटडोर भी रहते हो, हर जगह पे घूमते हो आवाज़ों जहाँ पे बहुत सारी आवाज़ आ रही है गाड़ियों की वहाँ पर भी जाते हो, ऐसी जगह पर भी जाते हो जहाँ पे बहुत सारा एको आ रहा है, तो उसके लिए आप मेरा व्लॉग चेकआउट कर सकते हो, मेरा सेकंड व्लॉग मेरे दूसरे चैनल पर जो मैं रिसेंटली डालने वाला हूँ, शायद इस वीडियो के बाद आ जाए या फिर इस वीडियो से पहले आ जाए, वो वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी ऐड कर दूंगा और साथ ही साथ ऊपर आई बटन पर भी डाल दूंगा जब वो वीडियो लाइव हो जाएगी। अभी के लिए आउटडोर टेस्ट को एंड करते हैं और चलते हैं इंडोर की तरफ। तो गाइस ये था मेरा इंडोर और आउटडोर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कंक्लूजन की कैसी क्वालिटी आ रही है मेरे हिसाब से, मुझको कैसा लग रहा है, आप लोगों ने डेफिनेटली देख ली होगी कैसी क्वालिटी आ रही है, आपके हिसाब से कैसी है मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ, अब मुझको पर्सनली ये माइक अच्छा लगा है, मेरे पास इसके अलावा कोई और शॉटगन माइक नहीं है फिलहाल जो मैं कंपेयर कर सकूँ एक शॉटगन माइक से, लेकिन ये माइक उस हिसाब से ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, मतलब इस लेवल की नहीं है, प्रोफेशनल लेवल की नहीं है, लेकिन काम बनने लायक है, ठीक है। मतलब एक बिगिनर के लिए बेस्ट है, जो स्टार्ट करना चाहते हैं यूट्यूब या फिर ऐसी सब, तो वो ज़रूर इसको बाय कर सकते हैं, खासकर यूट्यूबर जो स्टार्ट करना चाहते हैं व्लॉगिंग चैनल या कुछ, वो ज़रूर बाय कर सकते हैं। आप इसकी जगह अगर आप ऐसी बैठ के वीडियो बना रहे तो आप एक लेपल माइक भी यूज़ कर सकते हो बोया वीवो M1, वो मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगा और इसका भी लिंक डाल दूंगा, परचेस करना चाहते हो जरूर कर सकते हो। और साथ ही साथ इसमें एक बेनिफिट ये मिलता है हम लोगों को कि ये कार्डियोइड माइक्रोफोन है, मतलब ये ऑडियो जो पिक करता है ये फ्रंट से पिक करेगा, ये आपकी जो पीछे से ऑडियो आ रही होगी, साइड से आ रही होगी, लेफ्ट राइट से ऑडियो आ रही होगी, उनको हटा देगा, रिड्यूस कर देगा, मतलब बहुत कम आएगी, लेकिन जो फ्रंट से आप बोल रहे होंगे वो ज़्यादा कैप्चर करेगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर रहता है अगर आप व्लॉगिंग करते हो या फ्रंट में कैमरे के ठीक सामने आके वीडियो बनाते हो। क्या आपको ये माइक परचेस करना चाहिए 2021 में, आपके पास कोई और ऑप्शन भी है इसके अलावा, तो डेफिनेटली आप ये माइक परचेस कर सकते हो, मेरा आंसर ये है। अगर आपके पास और ज़्यादा बजट है तो आप इससे ज़्यादा बेटर माइक के ऊपर भी जा सकते हो, रोड के माइक परचेस कर सकते हो, बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, रोड बेस्ट है, मैं भी अपग्रेड करने वाला हूँ जल्दी क्योंकि मुझको और ज़्यादा बेटर क्वालिटी चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में एक बिगिनर के लिए ये माइक सबसे बेस्ट बोलूँगा, क्योंकि 1500 में मिलता है आपको, उस प्राइस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा माइक है, आपको और कोई शॉटगन माइक इस क्वालिटी का नहीं मिलने वाला है। अगर आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपका कैमरा भी थोड़ा ज़्यादा दूर है, आपकी बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ रही है, एको भी आ रहा है, मतलब ये सब चीज़ें भी हैं जो आपको हटानी है, मतलब नहीं चाहते कि वो सब चीज़ें भी कैप्चर हो, तो ये माइक बिल्कुल मत खरीदना, ये आपको वो क्वालिटी नहीं दे पाएगा। आप एक लेपल माइक परचेस कर सकते हो, चाहे बोया वीवो M1 करो या फिर कोई और माइक परचेस करो, लेपल माइक कर सकते हो या फिर USB माइक, जो आपके क्लोज रहे माइक वो माइक परचेस करो, कैमरे के ऊपर रहे वैसा माइक परचेस मत करना, शॉटगन माइक परचेस मत करना, ठीक है। तो ये मेरा था रिव्यू टोटल, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा रिव्यू, ये थोड़ा ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई अभी तक की, शायद सबसे ज़्यादा लंबी वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कर देना, सारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, अगली वीडियो मिलेंगे फिर, तब तक के लिए।